Revelio. All this grass. It no longer feels like a tomb. Welcome back to my channel. आप सभी का स्वागत है. Mysterious and a bit unsettling. तो फिर से एक Hogwarts Legacy के नए एपिसोड के साथ. You're here. और आज का एपिसोड हमारा Sebastian के साथ है. Sebastian, that relic you mentioned. Sebastian ने हमें यहाँ बुलाया है. Catacomb में. I haven't. But I needed to tell you what I've learned. I believe one Slytherin student stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them. So I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne, I need to see her. और बहुत जल्द गिव अवे आने वाला है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा I'd be interested to know what else the student discovered have a look unfortunately there's no name on it but I suspect कितने सब्सक्राइबर होंगे उन सभी का लकी ड्रा होगा stash in his spell book हो सकता है आपका नंबर आ जाए it's worthy of further study I'm ready to explore the catacomb perhaps we can visit Anne when we've finished perfect by the way Ominous has been asking about you You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Elena Bolna would be livid if he knew what we were about to do. The kahani ye hai is mission mein hame ye karna hai. Ki Sebastian ko kisi chhatra ke bare mein pata chala hai sab padhte hue reading karte hue first mein research karte hue ki kisi chhatra ne एक असाइनमेंट और काम करते हुए यहाँ कुछ मिला था उसे कुछ ऐसा जो काले जादू को पलट सकता है अगर किसी पर काला जादू किया गया हो तो उसको वो वापस कर सकता है लेकिन वो उसे लेके नहीं गया था यहाँ से जो वो चीज़ थी ऐसी उसे वो लेके नहीं गया यहाँ से वो यहीं पर है सेबेस्टियन उसे यहाँ लेने आया है हम उसकी मदद करेंगे लेने में यहाँ से उसको सेबेस्टियन को विश्वास है कि अरे शुरुआती फाइट से ओके तो सेबेस्टियन को विश्वास है कि जो चीज वो यहाँ है रिलीज कोई जो भी है कुछ जो आइटम है वो यहाँ पर वो जो इसकी बहन एनी पर ब्लैक जादू किया गया है उसको पलट सकता है इसकी बहन ठीक हो सकती है तो हम इसकी मदद करने आए हैं Opening all of these is tempting. और ओमनिस से हम ये बातें सब छुपा रहे हैं क्योंकि ओमनिस ब्लैक आर्ट्स की खोज में या ब्लैक आर्ट्स बनने के लिए खिलाफ रहता है उसके वो इन चीज़ों को नहीं करने देता है तो इससे हमने ये बातें गुप्त रखी हैं और ये अभी तक हमसे नाराज है जो हम जो हमने इससे कहा था कि हम गोबलिंस की एक गोबलिंस है जिससे हम मदद ले रहे हैं ट्रेंडरॉक के प्लान जानने के लिए क्योंकि ऐसा लगता है कि इसकी बहन पर जो ब्लैक जादू किया गया है वो गोबलिंस ने किया है जब आए हैं गुफा में कैटाकॉम्ब में तो एक एक चीज़ एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे जैसे बार बार यहाँ आना ना पड़े चीजों को कलेक्ट करने के लिए Revelio.
वहाँ ऊपर एक चेस्ट है उसे लेकर आते हैं पहले। विंगार्डियम लेवियोसा लगाएं इस पे और चल वही इधर लगा ले। अब देखते हैं जो वो चीज़ है यहाँ पर वो बाकी में काम करती है नहीं करती है, यानी उससे ठीक होती है नहीं होती है, वो तो बाद की बात है। फिलहाल तो हम सेविस्टन की मदद करना आए हैं उसे यहाँ से निकालने के लिए, लेकर जाने के लिए, क्योंकि छात्र ने अपने असाइनमेंट में उसका जिक्र किया है लेकिन वो चीज़ यहीं पर छोड़ के गया है। वो उसने लिखा है कि वो चीज़ यहीं पर रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ब्लैक जादू जो होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कहते हैं ना उसे, बली उली बली, किसी की भेंट वोट लेना शायद उस टाइप का है, तो वो साथ यहाँ से लेकर नहीं गया था उसे। शुरुआत से आज फाइट हो गई यार। Rebellion. Confringo. ओके, चीजें कलेक्ट करते हुए चलते हैं। Rebellion. हमें रेलिक ढूंढने हैं कोई। जो हमें अंडरक्रॉप में मिला था ना उसकी कलाकृति कोई ऐसी मिल यहाँ मिलेगी हमें, वो ढूंढनी है। अब वो कैसे ब्लैक मैजिक को रिवर्स कर देती है यह तो देखने वाली बात है। फिलहाल तो घर डुपल्सो मार कर देख का दे अंदर क्या है। ओके, नीचे चलते हैं। मकड़ियों का जंजाल, आ जाओ कोई बात नहीं, अब तो सबको पेल देंगे हम। ये वाला स्पेल बहुत जबरदस्त है यार, ट्रांसफॉर्मेशन वाला, किसी चीज़ों को कन्वर्ट कर दो किसी विस्फोटक में और फिर इनका कॉन्फ्रेंगो या कोई भी ऐसा स्पेल चला कर जिससे वो आग लग जाए। ये देखो ऐसे कैसे फटा है, हाथों हाथ मर जाता है। Feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, often cave-ins, and then were abandoned. Exactly. हम कोशिश करेंगे कैटाकॉम के हर एक कोने में जाने की, चीजें यहाँ से कलेक्ट करने की, क्योंकि मेरा गेम खेलने का तरीका यह है कि मैं हर चीज लगभग एक्सप्लोर करता हुआ चलता हूँ। ये अभी तक मुश्किल से मैंने आपको ये शायद 41 पार्ट है या 40 पार्ट है, मुश्किल से अभी तक मैंने आपको लगभग लगभग 30 से 40 घंटे के बीच के एपिसोड में अपलोड कर चुका हूँ इस गेम के, और लगभग इससे दुगने से ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लोर कर चुका हूँ। लगभग 100 घंटे के बराबर लगभग मैं इसे खेल चुका हूँ, इस गेम को एक्सप्लोर कर चुका हूँ। Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with Revelio bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. ये रूम है अंदर, इसमें जाने का रास्ता, चलो फिलहाल बाद में देखेंगे इसे, आगे बढ़ते हैं। पहले तो अपना मेन मकसद जिसके लिए हम आए हैं वो पूरा कर लेते हैं।
मेन मकसद पूरा करते हैं और एलियट को यहाँ से लेते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम यहाँ पर हिंदी में सबटाइटल भी डालते हैं जिससे आपको स्टोरी समझने में और भी आसानी हो। थोड़ा हटके करने का प्रयास किया है हमने तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा जिससे हमारा चैनल ग्रो हो। ये नहीं जानता अब हमारे पास ये स्टाइल है, एक बार में काम तमाम हो जाता है। देखते हैं यार जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं कि एनी जो चीज़ यहाँ पर है वो लेकर हम अगर जाएंगे तो एनी पर जो ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है वो रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता है देखने वाली बात होगी। हड्डियाँ, हड्डियों का क्या मतलब है भाई? रेवेलियो यहाँ भी हड्डियाँ वहाँ भी हड्डी 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 सारे में हड्डी The bones. भैया पढ़ने बोले तो मैं What did you find? सेरिचन से बात करते हैं जो हमें नोट्स मिला है अभी। Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced the space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Imperius is interesting. Really interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. कौन सा चूज करें? Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose. Or the student may have simply dropped them. Of course. Okay. I'll start to search for those barricades. Brilliant. तो जो नोट मिला है हमें अभी यहाँ उसमें लिखा हुआ है कि जो बैरिकेड है आगे जाने का जो रास्ता बंद है वो इन हड्डियों की मदद से खुलेगा। जो हड्डियों का ढेर लगे पड़े हैं ये जो बैरिकेड्स है ये यहाँ पर हमें ये बोन्स हैं ये लगानी है। और उस नोट में एक स्पेल का जिक्र भी हुआ है इंपीरियस स्पेल वो भी हमें शायद सीखना पड़ेगा अभी शायद सेबिस्टन सिखाया हमें। फिलहाल तो अभी हमें पहले ये बैरिकेड खोलना है अगले वाले रूम में जाने के लिए अपनी जर्नी को आगे जारी रखने के लिए ये बैरिकेड्स खोलना है पहले। इन हड्डियों के वो यहाँ लगाने के बाद ही ये बैरिकेड खुलेगा। You've done it. Okay, ओपन हो गया। I felt it in my bones. ओपन तो हो गया लेकिन हम क्यों नहीं जा रहे अंदर? अरे भाई ओ भाई क्यों क्यों तू निकलना यार बाहर निकल पहले शायद हम पहले जाएंगे अंदर।
मसला क्या है, हम क्यों नहीं गए अंदर? ये गेम में बग है क्या है? ओके आई ट्राई करके देखते हैं। अब गए हम, यानी पहले हमें आगे जाना था शायद। सामने रूम है शायद, यहाँ पर फाइट हो। जितना बड़ा रूम है सामने तो शायद लगता है फाइट होगी अब सामने। फिलहाल तो अभी किसी के ऐसे इंडिकेशन नहीं है कि फाइट हो यहाँ। The student's diary mentions the Imperious curse. The Imperious curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable. Places the victim completely under the black magic control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. ये सिखाएगा हमें अब। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कि हम सीखना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं। हम सीखना चाहेंगे। सीखना चाहेंगे यार हम। It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that will save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Okay. Focus your wand. Ready? It's not an easy spell to master. सीखने के लिए? चलिए। अपनी बैंड घुमाते हैं। फाइनल। Here we go. चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है यार हिंदी में सबटाइटल डालना। मैंने कहा था नहीं फाइट होएगी, लेकिन अच्छा है कि इंपीरियस स्पेल लगा लेते हैं यार पहले उसे। अरे क्या खुल गया यार, इंपीरियस स्पेल लगाने का मौका नहीं मिलेगा अभी हमें। फिलहाल तो फाइट कर लेते हैं। अरे हवा में उठाओ खड़ा रह गया, तो बार भी करेगा भाई। हवा में उठाने से काम थोड़ी ना चलता है। चीजें नहीं छोड़नी है, चीजें कलेक्ट करनी है। जितनी हमें मिल जाती हैं आसानी से सब लेके चलेंगे। आगे भी है कुछ, कुछ है आगे? जाला तो लगा हुआ है। देखते हैं चल के आगे। रेवेलियो देखते हैं, मकड़ियां ना हो यार कहीं जाले के पीछे। देखी जाएगी, चलो रेवेलियो। इधर मकड़ियाँ हैं और ये डिपल्स तो मारना पड़ेगा इस पर। Another barricade. Revelio. ये क्या है भाई? The last one. This should be a cinch. How gracious of you. I try. नहीं ये बंद है, ये पजल है एक तरह का। और ये बैरिकेड से वही बोन्स वाला। अच्छा ये हड्डियों के ढेर हैं जो ब्लू कलर में चमक रहे हैं हमें। ये मकड़ी भी है, चलो बाद में खोलेंगे साके। पहले इधर चलते हैं, इधर देख के आते हैं। मकड़ियाँ हैं कोई बात नहीं। आ जाओ मैदान में, को टंगी रहोगे ऊपर। आ जाओ। अरे ये बड़ी वाली पर असर नहीं हो रहा यार। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म स्पेल का असर नहीं हुआ यार इस पर। Defender.
तक मर जाओ यार, नीचे निकल निकल का मार रहे हैं हम। मेरी तो हो जाओ वैसे इस गेम में स्पाइडर सब फाइट की गाड़ी पड़ती है। गाड़ी भी क्या ये जो जमीन में घुसकर घुस जाती है ना नीचे, वो फिर एकदम निकल का मारती हैं, फिर वो सब थोड़ा परेशानी होती है, बाकी तो कोई इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है। मैं इस गेम को पूरी सीरीज की तरह खेल रहा हूँ, जैसे वेब सीरीज होती हैं, छोटे छोटे पार्ट, छोटे भी नहीं हैं, लगभग 40 आधा घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच के पार्ट हैं, 20 मिनट से लेकर 60 मिनट इन्हीं के बीच में मिल जाते हैं। अब इससे कम में तो नहीं बन पाता है एक भी एक एपिसोड। एक घंटे का एपिसोड तो लगभग बनता ही है, 40 मिनट के लगभग बनता है एक एपिसोड। अगर थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए तो 1 घंटा तो नहीं होता है। फिर भी आगे चलेंगे, वो बैरिकेड्स खोलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी एक्सप्लोर कर लें जरा, जब आए हैं तो यहाँ तक तो चीजें कलेक्ट करते हुए चलेंगे, कुछ नहीं छोड़ना यहाँ पर हमें। I doubt anyone's been here in quite some time. ओहो, फुल है हमारे पास बेगन बैल्ट पोशन। सेवेस्टन भैया तुम भी कुछ हेल्प कर दो, चीज़ें तुम भी कलेक्ट कर लिया करो थोड़ी बहुत, या बस अपने मतलब की चीज़ खाओगे, हमारे मतलब की चीज़ कलेक्ट कर लिया करो। कुछ है क्या, कुछ है नहीं है। अब इस पजल को सॉल्व करते हैं, कैसे होगा ये पजल सॉल्व। 1 मिनट, इस पे बना हुआ है डबल ईट और गोल चक्कर। गोल चक्कर एक वो है, गोल घेरा प्लस पहले हम मान रहे हैं। अरे नहीं भाई, ये नहीं खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा। वो है सामने, इन दोनों को करना है। ये भी अच्छा, ये पजल सॉल्व करना है। पहले ये वाला करते हैं, बोला कहाँ गया गेट। रेवेलियो ओके, ये पजल सॉल्व करते हैं। एक तो लगा दिया, सामने वाले हैं तो दोनों, ये और ये खुल गया। चलो हटियो बाहर आओ, अंदर ऐसा सेफ्टी में रखी गई है। ओके, एक और बचा है,
पता मैंने लॉजिटेक का स्टीयरिंग व्हील लिया हुआ है रेसिंग गेम खेलने के लिए, लगभग एक साल डेढ़ साल हो गया लिए होगी और अभी तक खोल के नहीं देखा है। जैसे आया था वैसे ही रखा है, अभी तक खोला भी नहीं। खोल तो लिया था, चेक कर लिया था, लेकिन चेक करने के बाद में पैक करके रख दिया था क्योंकि घर की शिफ्टिंग हो रही थी, घर चेंज हो रहा था, नया घर बनाया था उसमें जाने के लिए, तो वो अभी तक खोला भी नहीं, ऐसे ही रखा है। तो सोच रहा हूँ उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो डाल दूँ। असल मैंने वो गेम खेलने लिया था होराइजन खेलने के लिए फाइव वाला, और साथ में मेरा, आप मुझसे पूछना चाहोगे मेरा फेवरेट गेम कौन सा है, तो मुझे रेसिंग गेम पसंद है वैसे। और मैं बिल्कुल हटके पसंद है मेरी, मैं एक ऐसा गेम पसंद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो खेलना। मैं खाली टाइम में रिलैक्स मुझे होना होता है तो मैं उसी गेम को खेलता हूँ। और ये सामने शायद यहाँ पर फाइट होगी, यही बताऊँगा मैं, पहले फाइट कर लें उसके बाद बताता हूँ आपको कौन सा गेम खेलता हूँ अपने रिलैक्स मूड करने के लिए। आ जाओ फिर, देख करेगी देख करेगी देख करेगी, छोड़ दो पीछा मक्कड़ है, आगे पीछे का ध्यान रखो भाया, मोटू मक्कड़ कहाँ को भग रही हो भाई, कहाँ कहाँ को इधर उधर हो रहा है, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं खेलता वो यारी। तो इंपीरियल शर्ट मैंने यूज करा है, वो अब हमारे लिए फाइट कर रहा है, ये अच्छा है वैसे। एक पर इंपीरियल शर्ट लगा दो और वो फिर तुम्हारी तरफ से फाइट करेगा, अपने साथियों को मारना शुरू कर देगा वो। तो मोटू मर जा यार मोटू, टेंशन मैजिक लगाना ही पड़ेगा। अच्छा हमारे को मार रहा है, हमारे पीछे ही रहता है, कभी आगे भी लड़ लेगा, फ्रंट पे भी लड़ लेगा कभी। चीजें कलेक्ट करो, मकड़ियों का फैंग, काफी घमासान हो गया यहाँ। तो मैं गेम की बात कर रहा था, मैं कौन सा गेम खेलता हूँ अपने रिलैक्स मूड करने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो गेम का नाम है, वो कोडिंग गेम है, स्नो रनर। किसी को पसंद हो ना हो लेकिन मुझे बहुत पसंद है वो गेम, ऑफरोडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। Dead end. Lovely. All that for nothing. और फोराइजा हो जा, Don't give up yet. कलेक्शन फुल है हमारे पास, और ये वो चीज है जो हम लेने आए हैं यहाँ पर, ये वो कलाकृति, और
ये तो टेंशन है भाई। Sebastian, the relic. Look. ये टेंशन है, यहाँ पर इस नोट्स में लिखा है कि हम इसे यहीं पर रहने दें, इसे लेके ना जाएं, क्योंकि ये डार्क मैजिक है। The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. Use करने के लिए यार dark वही है ना, जैसे बलियुली देना कुछ इसी टाइप का है मसला। The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, हमेशा सलाह दे रहे हैं कि इसे यहीं पर रहने दें, इसे लेकर ना चलें। लेकिन वो जिद पड़ गया है कि वो लेकर जाएगा इसे, और उसने शायद कलेक्ट कर लिया है, वो ले लिया, उठा लिया यहाँ से। उसमें लिखा हुआ था कि इसे यूज करने के लिए कुछ बलिदान टाइप का कुछ है ऐसा, तभी अच्छा काम करेगा। तो लग गई, उसने उठा लिया है। Is that ominous? Ominous. बहुत हो गया ब्लैक मैजिक के पीछे भागना। एनी को हम किसी और ढंग से ठीक कर लेंगे, कोई और तरीका होगा एनी को ठीक करने का, लेकिन ये ब्लैक मैजिक यूज नहीं करना चाहिए, जो डार्क आर्ट्स है। लेकिन सेविस्टन मानने को तैयार नहीं है। How much did you hear? Everything. I was glad to hear. ना हमारी लगभग सभी बातें सुन ली है। We need to stand together. Convince Sebastian this और is wrong. ये... And if nothing will change his mind, something has to. खुश भी है कि हमने सेविस्टन को सही सलाह दी थी कि रेलिस को यहीं पर रहने दे, लेकर ना जाए। ये इस मामले में हमारी तारीफ कर रहा है। You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here. Relic को यहाँ से लेकर जाने में बहुत खतरा है। लेकिन ये बात Sebastian नहीं समझ पा रहा है। What are you suggesting? उसे सिर्फ अपनी बहन को चेक करना है, किसी भी तरीके से कैसे भी करना है। Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not ominous. हम ओमिनस को मना रहे हैं कि वो मान जाए कि सेविस्टन रेलिस ले जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ इसका अब इसके बाद में कोई और ब्लैक आर्ट के पीछे नहीं जाएगा। वो क्योंकि वो कोई और खोज नहीं करेगा और ब्लैक आर्ट्स का यूज नहीं करेगा। ओमिनस भी शायद मान गया है, ये वो ले जा सकता है रेलिस को यहाँ से, लेकिन सिर्फ सेबास्टियन अब आगे को उसे ब्लैक आर्ट्स का यूज नहीं करना है। I haven't changed my mind. उम्मीद करते हैं कि शायद ना करें। Let's go. क्योंकि यार ये रेलिस बाहर ले जा रहे हैं यहाँ से, जब लिखा हुआ है सब नोट्स में कि इसे नहीं ले जाना है बाहर, इसे यहीं पर रहने देना है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी शायद। नहीं नहीं इधर नहीं जाना रे, इधर नहीं जाना यार, ये रास्ता नहीं है, ये है इधर से। Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Yeah, जो मिलेगा तब लेके जाएंगे हम। Is that it? I told him we ought to give you this chance. But the relic is too important to ignore. ऐसे कलेक्ट करके, चोरी करके। There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed. 30,000 gold coin है खाते में। गेम खाते में यार। I never wanted to keep all this. अकाउंट में नहीं है। अकाउंट में सोच लो मेरे। ठीक है, हम बाहर निकलना है, मैं यहाँ से बाहर चलते हैं। ओके, फाइनली हम बाहर आ चुके हैं। मिशन शायद अभी हमारा कंप्लीट, अभी और कुछ होगा शायद इसमें भी, क्योंकि अभी तक मिशन कंप्लीट लिखा हुआ नहीं आया है, तो देखते हैं अभी और क्या बचा इसमें करने के लिए। रिटर्न टू फेल्ट्राउ। ओके, तो हमें सेबेस्टियन के घर जाना है। कितनी दूर है?
I thought he understood. He knew we couldn't get... Fast travel, चलते हैं यार. क्यों भैया क्यों? फास्ट ट्रेवल अनलॉक नहीं. All of this is too important. फास्ट ट्रेवल का यूज नहीं कर सकते हम, पैदल जाना पड़ेगा क्या? अरे यार ये तो बड़ी अजीब बात है. झाड़ भी यूज नहीं कर सकते क्या? देखते हैं यार झाड़ू का यूज करके. चलो अरे नहीं कर सकते भाई, ना झाड़ू ना कुछ नहीं, ना ही हाई बीम वीमिंग कुछ नहीं. पैदल ही चलना है, पैदल ही जाना है. ठीक है फिर चलते हैं, पैदल ही चलते हैं. कोई तो रीजन होगा जब उन्होंने सब चीज बंद करी है यहाँ पर हमारी. सामने दो गोबलिंस हैं, अपना फेवरेट स्पेल मारते हैं अब, ये वाला और बंद. हट आ गया तो तेरी. आ जा फिर. अब कहाँ गया? आ जा मना. ये ले, आज जबरदस्त चीज है यार. पहला क्यों ना मिली भाई? अरे फुल है भाई, ये तो हमारा फुल है. वीगन वर्ल्ड पोशन फुल है, हीलिंग वाले सारे आइटम हमारे फुल हैं. दरअसल मेरी आदत ही ऐसी है कि मैं पूरा गेम, जो भी गेम खेलता हूँ, सर लगभग 80 से लेकर 100 के बीच में, नहीं परसेंटेज 80-100 मैं गेम को एक्सप्लोर करता ही करता हूँ. Oh no, this isn't good. आपको मैप दिखाऊंगा मैं किसी दिन, इसका सभी चीज दिखाऊंगा, कितनी मैंने कलेक्शन करा है, कितना चेस्ट है, कितनी क्या है, सब मैंने लूट रखा है इसमें, कितने फील्ड गाइड पेज हैं, कितने क्या चीज हैं, कितने मर्लिंस ट्रायल पूरे कर लिए मैंने, कितने ट्रोल्स को मारा, कितने डगबग को मारा, कितने मोंगरेल को मारा, कितने मैजिकल बीस्ट पकड़े मैंने, और क्या क्या मैंने अपने रिक्वायरमेंट रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में अपनी फैक्ट्री लगा रखी है. Felkoff's in trouble. They're under attack. जो हमारे आइटम हैं जो हम कलेक्ट करते हैं या फिर पोशंस बनाने में यूज होते हैं, उनकी पूरी फसल लगा रखी है. रीजन पूरा यही दिखाऊंगा मैं आपको. ओके हमें फेल्ड क्रैप को डिफेंड करना है रैनरॉक के रॉयल्टीज के द्वारा. जो लॉयलिस्ट जो हैं रैनरॉक के वफादार जो हैं, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण कर रखा है हमारे घर पर, हमें इनको मारना है. एक को तो कंटेनर बदल दिया हमने. अरे बीच में खंबा आ गयो, वो खुद ही फट गयो. आ जा मुना, आ जा यही तो चाहिए था. बम बम आज. अरे कौन है भाई? ओहो दूर से खड़ा फायर कर दिया. चटक आम बीच में से हटो जरा. अरे हमारा संजीवन अभी पूरा नहीं हुआ रे. अरे बार कर दियो हमारे ऊपर. तेरी तो आ जा. वाह बार कर आ जा. मारेंगे डुपल सोच के ऊपर. ऐसे एक को बम विस्फोटक में बदलो और दूसरे पर मारो, दोनों काम तमाम. अरे दूर है भाई,
तेरी तो खत्म कहानी। और ये एनी है, इसे क्या हुआ, तबीयत खराब? ओ ओ, ये एनी को मारने जा रहा। सेबेस्टियन ने शायद ब्लैक मैजिक यूज करा है। तो उसने खुद को मार लिया अपना आप। ओ भाई, कतरान को गुस्सा आता हुआ शायद। Saved my sister. With an unforgivable curse from that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. को पसंद नहीं आया भाई। From all of us. ये चाचा जी को पसंद नहीं आया है। The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. इसने Imperial curse यूज करा था। अब एक तरह से देखा जाए तो इसने जान बचाई है अपनी बहन के, तो सही करा है। लेकिन जो ब्लैक मैजिक करने की वैसे अनुमति नहीं होती है, लेकिन यहाँ इसने अपनी बहन की जान बचाई है, तो हम इसे सही मानेंगे। ये बेचारा अपने अंकल से परेशान है, उसके अंकल इसे अपनी बहन की हेल्प नहीं करने दे रहे। ये अपनी बहन की हेल्प करने के लिए पता है कितने जोखिम ले लेके ये चीजें कलेक्ट कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। I'll head back to Hogwarts. और चाचा है वो, उनके समझ में नहीं आ रहा बात, वो अपने मजे में मस्त है। ये कुछ भी लेकर जाता है बेचारा, अपनी बहन के लिए कुछ भी करता है कि इससे ठीक हो जाएगी। वो हर वक्त इसे डांटने पर लगे रहते हैं। चाचा है कसा ये। ना ही खुद जो है कोशिश कर रहे हैं यानी कि इलाज ढूंढने की, और हम कर रहे हैं यानी सेबेस्टियन कर रहा है, तो उसको जो है और उल्टी उल्टी सुना देता है। आदमी है घन चक्कर। Pardon me, Mr. Sallow. इसे तो यार पूछ होना चाहिए कि सेबेस्टियन इतना होनहार लड़का है, वो रिसर्च कर रहा है, चीजें कलेक्ट कर रहा है अपनी बहन को ठीक करने के लिए। सही बात है यार, सेबेस्टियन ने अपनी बहन की जान बचाई है। अगर उसने ब्लैक मैजिक यूज करा भी है तो That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. नहीं करा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर नहीं करोगे आगे कुछ भी, क्या जान चली जाए, लेकिन ब्लैक मैजिक यूज नहीं करेंगे। अजीब लॉजिक है यार। Guilty as he is, Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. यार इस आदमी से। Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continue to use this path, I will notify the headmaster immediately. ये पुरानी बातें पुराने जमाने में ठीक थी। Why, Sebastian? अब नहीं। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।